अरे यार चलता हूँ, रुक जाओ। अरे पूजा, हाँ आज कंपनी वालों बाइक से चलते हैं। हाँ व्हाई नॉट। अरे यार हेलमेट तो लेके जाओ, ऐसे भी आजकल बहुत सारे रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। अरे यार क्या हेलमेट हेलमेट लगा के रखे, इससे बाल खराब हो जाएंगे। एक छोड़ो, उसको हेलमेट बोलने के लिए नहीं आता है, फिर हेलमेट कैसे यूज करता है। छोड़ दो, लाइट लेट हो रहा है। हाँ यार छोड़ो, हम इन लोगों के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग अपने वाले के अब से ही चलेंगे। अजीत इन दोनों को छोड़ो, हम दोनों बाइक से चलते हैं। ये दोनों सेफ्टी नहीं अपना रहे, मतलब अगला शिकार यही होंगे। मैं सेफ्टी हूँ, इन दोनों को सेफ्टी अपनाने के लिए सिखाना होगा और डेंजरस से बचाना होगा। अगले सीन में अजीत और अभिषेक कंपनी को निकल रहे होते हैं और उस बीच में उनकी मुलाकात ट्रैफिक पुलिस से होती है और वो कैसे सेफ्टी को बाईपास करके कंपनी पहुंचते हैं वो हम इस सीन में देखेंगे। अरे अजीत मेरा हेयर स्टाइल ठीक लग रहा है यार? अरे अच्छा लग रहा है। अरे सच बता यार, मजाक नहीं। अरे यार चल, हम लेट हो चुके हैं यार। यार चलते हैं। अरे यार उनके आगे से चलेंगे, उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ध्यान से चलना यार। ए रुको, थामा थामा, पकड़ो पकड़ो यार, नया पकड़ो। सर सर रुक ही रहे थे सर। अरे सर गाड़ी तो खड़ा करने दो। और सर हेलमेट कहाँ है आप दोनों का? अरे सर रोज हम लोग लेके चलते हैं, आज कंपनी के लिए लेट हो रहा था इसीलिए भूल गए सर। पकड़े जाने के बाद तो सब यही बोलते हैं सर। नहीं सर, आज हम लोग कंपनी के लिए लेट हो रहे हैं इसीलिए सब भूल गए सर। ऐसा तो नहीं चलेगा, कोरोना का इतना महामारी बढ़ रहा है और आप दोनों ने मास्क भी नहीं पहना है। अरे क्या सर? आप दोनों आपका तो चालान कटेगा सर, 5,000 रुपए का तो आपका हेलमेट का चालान है। और कंपनी जाते टाइम में इतना पैसा हम लोग कहाँ लाते हैं सर? ये डॉक्यूमेंट दिखाओ। हाँ सर है सर, अभी लाइसेंस भी दिखाओ। एक सेकंड, हाँ दिखाओ। अरे अजीत हमें पता था ऐसा ही होने वाला है, तुम्हारे पास डीएल भी नहीं है, तुम्हारे पास हेलमेट भी नहीं है, तुम्हारे पास मास्क भी नहीं है और बड़ी बड़ी बात तुम्हारे पास गाड़ी का कागज भी नहीं है। बताओ कैसे तुम रोड पे लेके चलो, तुम्हारा तो लंबा चालान कटेगा। फिर कंपनी जाने के लिए हम लोग लेट हो रहे हैं, ऐसा करो सर आप कुछ ले दे के मैनेज कर दो सर। एक काम करो यार, देखो इनका क्या मैटर है। साइड में उधर कॉर्नर में, इस साइड में। अरे सर आप इधर आओ। अरे सर एक काम करो सर, बड़े साहब को बोलो हमारे साथ सर, हमारी कंपनी के लिए बहुत लेट हो रहा है सर। कितना है भाई? ज्यादा कहाँ है सर, कितने घर के है सर? दो तीन दिन में क्या होता है यार? अरे यार ओके ओके, मैं सर से बात करता हूँ। इतना में क्या होगा भाई, इतना में तो कुछ भी नहीं होगा। अरे सर आपका सैलरिया लीजिएगा। नहीं नहीं इतना में कुछ नहीं होगा, इतना में तो मैं नहीं छोड़ सकता। देखो सर के तेरे पास कुछ होगा तो सर को दो यार। एक काम करो यार, इन दोनों को छोड़ दो सर। ऐसे ही छोड़ दे क्या? आजकल सेफ्टी का बहुत मैटर चल रहा है, सेफ्टी का मामला है सर, ऐसे नहीं छोड़ सकते। काम करो, माल पानी तो हमने ज्यादा ले लिया है। काम करो, इन दोनों को अपना भी भला हो जाएगा कुछ, इन दोनों को दो हेलमेट दे दो। ओके सर। अगली बार ध्यान रखना, विदाउट हेलमेट पकड़े जाओगे ना तो ऐसा केस दूंगा, ऐसा केस दूंगा, हमेशा के लिए जेल में पड़े रहोगे। ठीक है, संभाल के अगली बार सेफ्टी का फुल ध्यान रखना सर। अगले सीन में अजीत और अभिषेक कंपनी पहुंचते हैं और वहीं से पूजा और मोनालिसा को जो रही होती है, फिर उनका आपस में क्या कन्वर्सेशन होता है वो हम अगले सीन में देखेंगे। अरे अजीत आज का पूरा दिन खराब हो गया यार। हाँ यार चल अपना काम करते हैं। ओके चल, मैं मशीन चलाता हूँ। अरे पूजा देखो ये तो सेफ्टी हेलमेट ग्लोव सूट कुछ भी नहीं पहना है। अरे अभिषेक क्या कह रहे हैं दोनों? अरे यार तुम लोग क्या बोल रही हो? अरे हम ये बोल
रहे हैं कि तुम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो ना, सेफ्टी में भी यूज करना चाहिए कि नहीं? अरे यार वैसे भी हमारे काम का बहुत प्रेशर है, तुम लोग अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो, हमारा पार्ट होल्ड हो रहा है। अरे अभिषेक, ये लोग एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। अभिषेक यार ऑयल लीकेज हो रहा है मशीन से, लग रहा है सुपरवाइजर को बताना पड़ेगा। एक काम कर छोड़, बाद में देखेंगे। ठीक है भाई। अरे अभिषेक, कुछ नहीं होता, तुम भी उन दोनों का बातों में आ रहा है यार, पैर फिसल गया तेरा, तू ध्यान से नहीं चला होगा। एक काम कर, तू पानी पी। अरे जाल तो मैंने अच्छा फैलाया था, लेकिन शिकार फंसते फंसते बच गया। कोई बात नहीं, ऐसे सेफ्टी को लेकर लापरवाही करेगा तो कभी ना कभी तो मेरे जाल में जरूर फंसेगा। इसको कितना भी समझाओ पता नहीं समझ क्यों नहीं आता है। सेफ्टी अपना लो, सेफ्टी अपना लो, पर ये लोग समझते ही नहीं है। सेफ्टी अपनाने से ही सेफ रहेंगे और इनके फैमिली भी सुरक्षित रहेंगे। अभी भी सेफ्टी को अपना लो, तभी सुरक्षित रहोगे। नहीं, मैं सुंदर हूँ, मेरे तरफ आ जाओ। ऐसे भी मैं एक्सीडेंट हूँ, कभी भी बूंद जाए आ जाती हूँ। अरे अजीत, तेरे को ज्यादा चोट लग गई क्या भाई? हाँ यार, काम करने के हालात में नहीं, चलो घर चलते हैं। तू सच बोल रहा है ना? एक काम कर, तू यहीं पे बैठ, मैं गेट पास का इंतजाम करता हूँ। रमन सर, गेट पास दो। सर हमारे फ्रेंड को सर फ्लोर पे गिर गया सर, पैर में चोट आ गई, गेट पास से। अरे सर आयल लीकेज हो रहा था। देखा नहीं क्या? देखा सर, लेकिन मैं बताना भूल गया सर। सीरियस लग गई? हाँ सर सीरियस लग गई है। गेट पास लगा सर। ओके मैनेज करता हूँ। ओके सर। अगली सीन में अजीत और अभिषेक घर को जा रहे होते हैं और इसी बीच उनका एक्सीडेंट हो जाता है। आइए हम इस सीन में देखते हैं। अरे गोटिया मैसी नहीं दूध चला हवा नहीं होंडा में स्कूटी जाना है पेच मुकी चलो लाइट भी लग गई घर का कनाडो फिर। अरे अजीत, गेट पास तो मिल गया भाई, घर चले क्या? पक्का? चलो चलते हैं। ये बंडल पटकने के बाद रेंडी घर घर में बंडल पड़ी पड़ी होते रेंडी हेलमेट से कुछ नहीं होता। एक काम कर, तू पकड़ ले, मैं बाइक चलाता हूं। वार्निंग मेसी की वजह से प्रॉब्लम हुआ यार, पहन तो लो। अरे तो तेरे को क्या लग रहा है, मांगू लोग फिर से थोड़ी रहेंगे। चलो चलते हैं। अरे गाड़ी स्टार्ट कर, स्कूटी है। अरे अभिषेक, अरे आगे ब्रेकर है यार, कहाँ देख रहे हैं? अरे अभिषेक, 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 अभिषेक भैया, भैया एक्सीडेंट हो गया हम दोनों का, प्लीज हेल्प कीजिए भैया, कॉल करिए भैया, एम्बुलेंस कहिए। अभिषेक, अभिषेक, क्या हुआ, कौन सा केस है, एक्सीडेंट हो गया? ट्रैफिक वाला डॉक्टर बन गया, डॉक्टर अम्मा आएगा।
फीस नो बोल सर पॉल से सुन चेक कर पेशेंट के रिलेटिव कौन है सर हम उनके फ्रेंड्स हैं क्या है सर पेशेंट इज नो मोर व्हाट पेशेंट इज नो मोर डॉक्टर साहब फिर से चेक करिए इसके सर पे गहरी चोट लगने के कारण हम इसे बचा नहीं सके चेक तो करिए सर हम आपकी जज्बात का कद करते हैं बट सॉरी सर पेशेंट इज नो मोर अभिषेक भाई अभिषेक अभिषेक मैं क्या बोलूंगा तुम्हारे घर पे अभिषेक अरे मैं सोच ही रही थी ये लोग कब लापरवाही करेंगे और मेरा शिकार मुझे मिलेगा मुझे मेरा शिकार मिल गया मैं बोली थी अपना लो मुझे बट ये लोग समझते कहाँ हैं सेफ्टी को हमेशा अवॉइड करते हैं अभी देखो अपने प्यारे दोस्त को खो चुका है अभी टाइम है अभी सेफ्टी को अपना लो ताकि आगे अपने प्रियजनों को ना खो सको जैसा कि हमने इस सीन में देखा अजीत अपने प्यारे दोस्त अभिषेक को एक एक्सीडेंट में खो देता है और फिर उसे एहसास होता है कि हमें सेफ्टी को अपनाना चाहिए था आगे लोग अपने प्रियजनों को ना खोएं इसलिए अजीत लोगों में सेफ्टी के प्रति अवेयरनेस फैलाना चाहता है और वो कुछ संदेश देना चाहता है आज मैं जिंदा हूँ और आप लोगों के बीच में हूँ क्योंकि मैं उस दिन हेलमेट पहना था काश ये बात मैं अपने दोस्त को समझा पाता तो वो भी आज हमारे बीच में होता जो हालात उसकी फैमिली की है आज वो सही होती मैं हाथ जोड़कर आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज ड्राइविंग करते समय और इंडस्ट्रीज में काम करते समय आप सेफ्टी पीपीई का ध्यान रखें जो गलती मैंने की कृपया उस गलती को आप न दोहराएं अपने और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें थैंक यू अब अगली सीन में डेंजरस और सेफ्टी के बीच में काफी लड़ाइयां होती हैं डेंजरस हर संभव प्रयास करती है कि सेफ्टी को किस तरह से हरा जाए आइए हम इस सीन में देखते हैं आज किसी भी तरीके से मुझे सेफ्टी को खत्म करना है चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े पहले मैं उसको इलेक्ट्रिक वायर से मारने की कोशिश करूंगी देखूंगी वो मेरे से कैसे बच जाती है वो बच गई कैसे यार कैसे बच गई अच्छा वो सेफ्टी सूट पहन रखी थी कोई बात नहीं फिर से मैं प्रयास करूंगी देखूंगी वो कैसे बच जाती है मेरे से वो फिर से बच गई कैसे यार बार बार बच जाती है मेरे से अच्छा वो सेफ्टी मास्क और गॉगल्स पहन रखी थी कोई बात नहीं कभी ना कभी तो वो सेफ्टी को लेकर लापरवाही करेगी ना तब तक के लिए मैं इंतजार करूंगी और तभी मैं इस सेफ्टी को खत्म करने की कोशिश करूंगी जैसा कि हमने इस नाटक में देखा कि जब भी हम सेफ्टी को अपनाते हैं डेंजरस हार जाती है इसलिए ऑलवेज हमें सेफ्टी को अपनाना चाहिए और रिलेटेड टू सेफ्टी हमारी टीम आपको एक संदेश देना चाहती है कृपया उसे सुने माँ तो हमें एक बार जन्म देती है पर सेफ्टी हमें हर रोज एक नई जन्म देती है इसलिए आइए हम साथ में शपथ लेते हैं अपने लाइफ में सेफ्टी को अपनाते हैं एक दिन एक महीना एक साल नहीं लाइफ का हर एक दिन सेफ्टी दिवस मनाते हैं